फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिक्रेटरी टिश्यूज। हमने टिश्यूज चैप्टर में देखा होगा कि दो तरह के टिश्यूज़ की अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, विच इज़ मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ के अलावा हमारे पास तीसरी क्लासिफिकेशन होती है टिश्यूज़ की, जिसको हम कहते हैं सिक्रेटरी टिश्यूज़। तो जो सिक्रेटरी टिश्यूज़ होते हैं, इसके अंदर हम प्लांट की सिक्रेशंस पढ़ते हैं कि प्लांट क्या क्या सिक्रेट कर सकता है और किस तरीके से ये सिक्रेशन जो है होती है और एक क्या सिस्टम होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं सिक्रेटरी टिश्यूज़ में दो टर्म्स आती हैं, सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हमें मतलब समझना पड़ेगा सिक्रेशन का और एक्सक्रीशन का। जो प्लांट के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट के अंदर सेल्स होते हैं और सेल्स के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, कुछ प्रोडक्ट बनाता है, जैसे मान लो गम्स हो गया, रेजिन्स हो गया, टेनिन्स हो गई, म्यूसिलेज हो गया। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स जो है प्लांट्स बनाते हैं और इनको स्टोर कर दिया जाता है प्लांट के अंदर, इनसाइड द सेल्स, ग्लैंड्स और डक्ट्स। तो सेल्स में, ग्लैंड्स में, डक्ट्स में प्रोडक्ट्स को स्टोर कर दिया जाता है और इस फिनोमिना को हम कहते हैं सिक्रेशन। रिमेंबर, द प्रोडक्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म आर समटाइम्स स्टोर्ड इनसाइड द सेल्स, ग्लैंड्स और डक्ट्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सिक्रेशन। इस चीज़ को सिक्रेशन कहा जाता है। और जब ये जो प्रोडक्ट्स बनाए गए होते हैं, ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म के किसी भी काम में नहीं आते, यानी कि जो प्लांट की बॉडी है इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल जब नहीं करती है तो इन प्रोडक्ट्स को जो है बाहर की तरफ, यानी कि प्लांट बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सो द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स द आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द प्लांट बॉडी। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने आपको बताया, हो सकते हैं जैसे रेजिन्स हो गए, टेनिन्स हो गए, गम्स हो गई, म्यूसिलेज हो गया। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनको जो है सिक्रेट किया जाता है प्लांट के द्वारा और इनको एक्सक्रीट किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। तो ये जो बोथ सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन, ये जो सिक्रेशन और एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है, ये परफॉर्म करते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स या वेरियस प्लांट ऑर्गन्स, जिनको हम कहते हैं सिक्रेटरी टिश्यूज। तो इन्हीं को हम सिक्रेटरी टिश्यूज कहते हैं, जो कि सिक्रेशन और एक्सक्रीशन का काम करते हैं प्लांट के बनाए हुए प्रोडक्ट्स का। अगर हम सिक्रेटरी टिश्यूज की क्लासिफिकेशन की ओर जाएं तो दो तरह के मेजर हमें सिक्रेटरी टिश्यूज मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स, इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। तो सिक्रेटरी टिश्यूज़ भी आगे दो तरह के होते हैं, जैसे मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ की क्लासिफिकेशन है, परमानेंट टिश्यूज़ की क्लासिफिकेशन है, वैसे ही सिक्रेटरी टिश्यूज़ की क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स और इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले हमें पता पढ़ना है कि एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स जिसे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो हैं इनका जो ये जो सिक्रेटरी टिश्यूज़ होते हैं, दे हैव एपिडर्मल और सब एपिडर्मल ओरिजिन। रिमेंबर, दीज एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल बिकॉज दे हैव एपिडर्मल और सब एपिडर्मल ओरिजिन। अभी एपिडर्मल और सब एपिडर्मल मतलब होता है कि जैसे प्लांट है, प्लांट के अगर आप टिश्यूज़ को पढ़ते हैं तो आपको पता है कि लीफ के ऊपर को क्या कहते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, स्टेम की सबसे ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, रूट्स की सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। तो बाहर वाली जो लेयर्स होती हैं वो बनती हैं एपिडर्मिस से या सब एपिडर्मिस से बनी होती हैं। तो ये बाहर की लेयर्स हैं, बाहर के जो टिश्यूज़ होते हैं वो एपिडर्मिस से बनते हैं, दैट्स वाई वी सेट देम एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स, जो बाहर बाहर बनती हैं, प्लांट बॉडी के अंदर नहीं बनती। तो एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यूज़ जो हैं या स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कितने तरह के होते हैं, ये टोटली अगर हम इनकी मेजर क्लासिफिकेशन करें एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स की, तो ये देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। दीज आर ग्लैंडुलर हेयर्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हाइडेथोड्स एंड
नेक्टेरीज। तो चार तरह के मैंने आपको बता दिए एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। अगेन दीज आर ग्लैंडुलर हेयर्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हाइडाथोट्स, नेक्टेरीज। तो ये चार तरह के हमारे पास एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर में सबसे पहले की, विच इज़ ग्लैंडुलर हेयर्स। अब यहाँ पे ये जो ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट होंगी। क्यों सरफेस पे प्रेजेंट होंगी? बिकॉज इट्स एक्सटर्नल। तो ग्लैंडुलर हेयर्स भी जो है सरफेस पे प्लांट बॉडी के प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हेयर्स होते हैं, ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। इनका काम होता है सिक्रेशन करना, सबस्ट्रांस कुछ स्ट्रक्चर्स की सिक्रेशन करने का इनका काम होता है। ये जो सेल्स होते हैं ग्लैंडुलर हेयर्स के, ये थिन वॉल्ड होते हैं, लिविंग होते हैं और इनके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। अब ग्लैंडुलर हेयर्स के अंदर मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगी। पहला एग्जांपल है स्टिंगिंग हेयर्स, मतलब चुभने वाले बाल, स्टिंगिंग हेयर्स। इसका एग्जाम्पल है यूर्टिका डियोका। यूर्टिका डियोका को बिच्छू बूटी कहा जाता है आम भाषा में। तो आम भाषा में जो बिच्छू बूटी होती है, इसके जो पत्ता होता है, यूर्टिका डियोका का जो पत्ता होता है, उस पत्ते के ऊपर छोटे छोटे स्टिंगिंग हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्टिंगिंग हेयर्स हैं, ये यूनिसेल्युलर हेयर्स होते हैं। और इनका काम क्या होता है? दे आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ लीव्स। और इन जो हेयर्स होते हैं, ये जो स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं और दे पोजेस अ ग्लैंड एट द बेस। हेयर्स के नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे वी कैन सी द डायग्राम ऑफ स्टिंगिंग हेयर ऑफ यूर्टिका डियोका। सो दिस इज द स्टिंगिंग हेयर ऑफ यूर्टिका डियोका। ये डायग्राम है स्टिंगिंग हेयर ऑफ यूर्टिका डियोका का। यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज़ अ यूनिसेल्युलर हेयर, दिस इज़ अ यूनिसेल्युलर हेयर, दिस इज़ द स्टिंगिंग टिप और इस हेयर के बेस पे प्रेजेंट है एक ग्लैंड। अब इस ग्लैंड का काम होता है टू रिलीज मसल स्टिम्युलेटिंग सब्सटेंस। तो ये मसल स्टिम्युलेटिंग सब्सटेंस ये जो है रिलीज करते हैं। तो जैसे ही ये पत्ते हाथों पे लगते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट पे लगते हैं, तो खुजली करना और मसल्स में स्टिम्युलेशन करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे आर दी स्टिंगिंग हेयर्स ऑफ यूट्रिका। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया स्टिंगिंग हेयर्स का एक्सटर्नल ग्लैंडुलर हेयर्स के अंदर। दूसरा एग्जांपल है म्यूसिलेज ग्लैंड्स। तो दूसरा एग्जांपल म्यूसिलेज ग्लैंड्स है। स्टिंगिंग हेयर्स आर यूनिसेल्युलर इन ग्लैंडुलर हेयर्स एंड म्यूसिलेज ग्लैंड्स आर मल्टीसेल्युलर। दे आर द मल्टीसेल्युलर म्यूसिलेज ग्लैंड्स व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स ऑफ निम्फिए। तो जो एपिडर्मिस होती है, पत्तों की एपिडर्मिस पे ये म्यूसिलेज ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं मल्टी सेल्युलर स्टॉक के होते हैं एंड दे सिक्रेट स्लाइम सिक्रेटिंग सेल्स जो है उनकी अपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं। म्यूसिलेज ग्लैंड जो है इनके पास स्लाइम सिक्रेटिंग जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ म्यूसिलेज ग्लैंड। म्यूसिलेज ग्लैंड की एक और एग्जाम्पल है बहुत अच्छी वाली, विच इज़ द ऑयल सिक्रेटिंग म्यूसिलेजिनस ग्लैंड ऑफ जरेनियम। ऑयल सिक्रेटिंग म्यूसिलेजिनस ग्लैंड ऑफ जरेनियम। जरेनियम जो है एक मेडिसिनल प्लांट होता है, इसका ऑयल भी बनता है जरेनियम ऑयल। ये इनके जो पत्ते होते हैं वो जो है म्यूसिलेजिनस ऑयल सिक्रेटिंग हेयर्स होते हैं। तो लेट्स सी द डायग्राम। हेयर वी कैन सी द डायग्राम ऑफ मल्टी सेल्युलर म्यूसिलेज ग्लैंड ऑफ जरेनियम। मल्टी सेल्युलर म्यूसिलेज ग्लैंड ऑफ जरेनियम ये एक मल्टी सेल्युलर ग्लैंड है, पत्ते के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये ऑयल ड्रॉप है, दिस इज द क्यूटिकल पोर्शन, दिस इज द ऑयल ड्रॉप और ये नीचे के उसके सेल्स हैं। तो दिस इज द मल्टी सेल्युलर म्यूसिलेज ग्लैंड ऑफ जरेनियम और इन्हीं के पत्तों से निकलता है तेल। तो जरेनियम का ऑयल बनता है उनकी लीव्स के साथ। तीसरा एग्जांपल यहाँ पे जो है मतलब कि नॉर्मल एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जितने भी स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंडुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं,
इंसेक्टिवोरस प्लांट पे वो भी ग्लैंडुलर हेयर्स काम आते हैं फॉर द ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट. तो ये था अबाउट ग्लैंडुलर हेयर्स. सो हेयर नाउ वी आर डन विद द ग्लैंडुलर हेयर्स. ग्लैंडुलर हेयर्स किसके थे? एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर में हमने ग्लैंडुलर हेयर्स पढ़ा, जो कि यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं. दे हैव स्टिंगिंग हेयर्स, दे हैव म्यूसिलेज ग्लैंड, दे हैव ऑयल सिक्रेटिंग हेयर्स. दूसरी हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं ये भी स्पेशल तरह के ग्लैंडुलर हेयर्स ही होते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करने का काम करते हैं. डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल है एसिड फॉस्फेटेज, एस्टरेज, राइबोन्यूक्लिएज, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स. ये सारे एंजाइम्स सिक्रेट करते हैं. अब ये सारे एंजाइम्स क्यों सिक्रेट करते हैं? क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं मोस्टली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में. तो जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं दे कंटेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ ट्रैप्ड इंसेक्ट्स. तो जितने भी ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, हमें पता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. तो इनके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पास एंजाइम्स ये सारे प्रेजेंट होते हैं. एग्जांपल यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का है, मेन मैं देने जा रही हूँ कि जो बेस होता है पिच प्लांट के बेस पे जो है प्रेजेंट होता है ये ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. और पिच प्लांट का साइंटिफिक नेम है निपेंथिस. उसके अलावा जो है ब्लैडर लाइक ट्रैप होता है यूट्रिक्युलेरिया का. ब्लैडर लाइक ट्रैप ऑफ यूट्रिक्युलेरिया हैज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. थर्ड वी कैन से कि जो ड्रोसेरा होता है, ड्रोसेरा एक ऐसा प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है जिसके लीफ की जो है डेक्सियल सरफेस यानी पिछली सरफेस पे और मार्जिन्स पे, पत्तों की मार्जिन्स पे जो है ड्रोसेरा के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा पत्ते के सरफेस पे जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे है एल्ड्रोवांडा. तो एल्ड्रोवांडा एक एग्जाम्पल है जहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. सो हेयर इज़ अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग दी डाइजेस्टिव ग्लैंडुलर हेयर ऑफ ड्रोसेरा लीफ. तो ड्रोसेरा के पत्ते के ऊपर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं ये ग्लैंडुलर हेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन का काम करने में हेल्प करते हैं. तो ये दिस इज़ द ग्लैंड. इस तरह का जो है अगर माइक्रोस्कोपिक इमेज देखी जाए तो इस तरह से आती है. ये जो है इस हेयर जो ग्लैंडुलर हेयर है ये ग्लैंडुलर हेयर का ट्रैकीड्स हैं. ये एंडोडर्मिस पोर्शन है, दिस इज़ द एंडोडर्मिस पोर्शन. ये जो है एपिडर्मल लेयर है स्क्लेरोटिक सेल्स का एंड दिस इज़ द ड्रॉप सिक्रेटेड बाय एपिडर्मल लेयर. क्योंकि ये एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स हैं तो ये एपिडर्मल लेयर से ही अपनी सिक्रेशन करते हैं. तो ये जो है एंजाइम्स होते हैं इसमें जो कि कीड़ों को खाने में, उसको पचाने में मदद करते हैं इन केस ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. तो ये ड्रोसेरा के लीफ का ये जो है ग्लैंडुलर हेयर यहाँ पे दिखाया गया है. सो दिस इज अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर इज हाइडाथोर्स. हाइडाथोर्स जो है उनको वाटर स्टोमेटा कहा जाता है. ये प्रेजेंट होते हैं एट द टिप और मार्जिन्स ऑफ लीव्स पे और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटुएशन ऑफ वाटर. एक्सटुएशन ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी को बॉडी के बाहर निकालना इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, जैसे कि ऊज आउट करना. हमने ऊजेज आउट एक नॉर्मल टर्म होती है जो हम पढ़ते हैं कि पानी की बूंदें जब प्लांट कहीं से कट जाता है या प्लांट के जो पोर्स होते हैं यानी कि स्टोमेटा होते हैं उसके थ्रू जब पानी को निकाला जाए अंडर लो ट्रांसपिरेशन. देखो लो ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है जिससे जो है प्लांट अपना एक्सेस वाटर निकाल देता है पत्तों की सरफेस से थ्रू स्टोमेटा. तो पत्तों से ट्रांसपिरेशन होती है यानी कि बूंद बूंद पानी निकलता रहता है जो एक्सेस ऑफ वाटर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं. लो ट्रांसपिरेशन जब बहुत कम ये ट्रांसपिरेशन हो रही हो उस वक्त जो है
पानी को निकालना, एक्सडुएशन ऑफ वाटर प्रोसेस परफॉर्म करने को जो है, ये जो फंक्शन होता है ये करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड हाइडाथोड्स और वाटर स्टोमेटा। तो ये दो कंडीशंस होती हैं अंडर लो ट्रांसपिरेशन एंड अबंडेंट सॉइल मॉइस्चर कंडीशन, कि मिट्टी जो है उसमें बहुत ज़्यादा नमी है, बहुत पानी है और बहुत ज़्यादा पानी प्लांट ने चूस लिया है, पर ट्रांसपिरेशन कम हो रही है, पानी कम लॉस हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए पानी को लॉस, हमारे पास जो है स्पेशल तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हाइडाथोड्स कहा जाता है। फोर्थ, नेक्स्ट हम लास्ट जो है एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है पढ़ेंगे, और ये चौथी एक्सटर्नल लास्ट है विच इज़ नेक्टेरीज। अब हमने नेक्टर के बारे में पढ़ाई है, तो नेक्टर जो है वो जो है प्लांट से निकलता है विद द हेल्प ऑफ एक्सडुएशन ऑफ नेक्टर। तो एक्सडुएशन ऑफ नेक्टर कैसे होता है, देर आर स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स और ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज विच इज़ यूजली प्रेजेंट ऑन द फ्लोरल पार्ट्स ऑफ प्लांट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सडुएशन ऑफ नेक्टर। तो जो फूल होते हैं, ये जो नेक्टेरीज का प्रोसेस होती है फूलों पे होती है, हमें पता है नेक्टर जो है फूलों से मिलता है, तो जो फ्लोरल पार्ट है वहाँ पे कुछ इस तरह के सेल्स मौजूद होते हैं जो कि नेक्टर को निकालने में मदद करते हैं। तो कुछ इस तरह के स्पेशल काइंड ऑफ सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट ऑन द फ्लोरल पार्ट्स ऑफ प्लांट विच इज़ हेल्पफुल इन द एक्सडुएशन, मतलब पानी को निकालने में या नेक्टर को निकालने में मदद करते हैं, तो उनको कहते हैं नेक्टेरीज। तो दीज सेल्स आर कॉल्ड नेक्टेरीज। तो हमने पढ़े हैं एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स चार तरह के, विच इज़ ग्लैंडुलर हेयर्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हाइडाथोड्स एंड नेक्टेरीज। तो ये अब हम डन, वी आर डन विद द एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। हमने पढ़ा था कि जो सिक्रेटरी टिश्यूज होते हैं दो तरह के होते हैं, विच इज़ एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स एंड इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। तो अब हम शुरू करते हैं इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स के साथ। तो इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स में मतलब कि जितने भी सिक्रेशन होगी वो जो है सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, और इनको बाहर निकालने की प्रोसेस जो होती है थोड़ी अलग तरीके से होती है। यहाँ पे तो एपिडर्मल और सब एपिडर्मल रीजन होता है, यहाँ पे एपिडर्मल और सब एपिडर्मल रीजन बिल्कुल नहीं होता, दैट्स वाई दे आर इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर। पहला यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने तरह के इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पे टोटल चार तरह के इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स मेनली मिलते हैं, जो कि सबसे पहले है सिक्रेटरी सेल्स, नेक्स्ट है ग्लैंड्स, थर्ड वन इज रेजिन डक्ट्स एंड फोर्थ इज लेक्टिफर्स। तो चार तरह के हमारे पास इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स है। अगेन देर आर फोर टाइप्स ऑफ इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स विच इज सिक्रेटरी सेल्स, ग्लैंड्स, रेजिन डक्ट्स एंड लेक्टिफर्स। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिक्रेटरी सेल्स के साथ। तो जो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं थिन वॉल लिविंग सेल्स होते हैं, और इनके पास जो है ये जो सेल्स होते हैं बहुत लार्ज होते हैं और सिक्रेशन से भरे पड़े होते हैं। दे आर यूजली डिस्पोज्ड इन ग्राउंड पेरेन्काइमा। तो हमें पता है ग्राउंड पेरेन्काइमा में क्या क्या आता है, ग्राउंड पेरेन्काइमा में कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, हाइपोडर्मिस, तो इस रीजन के अंदर ये सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। साइज इनका बड़ा होता है एंड दे कंटेन ऑयल्स, गम्स, रेजिन्स, टेनिन्स, म्यूसिलेज और वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। तो ये सारी की सारी इस तरह की सिक्रेशंस जो हैं इनकी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगेन दे कंटेन ऑयल, गम्स, रेजिन्स, टेनिन्स, म्यूसिलेज और वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। सो दीज आर प्रेजेंट इन द सिक्रेटरी सेल्स, और ये प्रेजेंट होते हैं हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल रीजन में, जो कंटेन करता है ग्राउंड पेरेन्काइमा। दूसरे है दूसरे तरह का जो इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, दीज आर कॉल्ड ग्लैंड्स। तो जो ग्लैंड्स होते हैं, ये जो बॉडी के प्लांट बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। एक ग्लैंड होता है जिसको हम सीजियोजीनस ग्लैंड कहते हैं, और एक होता है लाइसीजीनस ग्लैंड।
सीजियोजेनस ग्लैंड बनता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ सेल्स एट मिडल लमेला। तो मिडल लमेला क्या होता है, मिडल लमेला सेल वॉल होती है, सेल वॉल का पार्ट होता है मिडल लमेला। वहाँ से जब प्लांट जो है सॉरी सेल जो है ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाए और वो थोड़ा बड़ा होना, इंटरसेलुलर स्पेसेस उसकी बड़ी होना शुरू हो जाए, तब हम उसे कहते हैं सीजियोजीनियसली फॉर्म्ड ग्लैंड्स। एग्जाम्पल सीजियोजीनियस ग्लैंड का है यूकेलिप्टस। लाइसिजीनियस ऑयल ग्लैंड्स तब बनते हैं जब लाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन हो जाता है सेल का, यानी कि सेल खुद ही टूट जाता है और उसके अंदर ऑयल भर जाता है। तो लाइसिजीनियस ऑयल ग्लैंड्स एग्जांपल है सिट्रस फ्रूट। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें लाइसिजीनियस ग्लैंड्स होते हैं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये एक्सक्रीट करते हैं प्रोडक्ट्स को, ये भी जो है थिन वॉल्ड और लिविंग होते हैं, इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, इनमें गम्स रेजिन्स टेनिन्स और म्यूसिलेज प्रेजेंट होते हैं। बस ये ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सिक्रेटरी सेल्स में, सिक्रेटरी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सेल्स हैं और यहाँ पे ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स दो तरह के हैं, सीजियोजीनियस ग्लैंड्स एंड लाइसिजीनियस ग्लैंड्स। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इसकी डायग्राम। सो ओवर हियर यू कैन सी दीज आर दी डायग्राम्स रिप्रेजेंटिंग दी सीजियोजीनियस एंड लाइसिजीनियस ग्लैंड्स। ये जो सबसे पहला आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ दी लाइसिजीनियस ऑयल ग्लैंड। तो ये जो है एक लाइसिजीनियस ऑयल ग्लैंड है, जो कि एक सेल जो है वो ख़त्म ब्रेकडाउन होने के बाद उसके अंदर जो ऑयल ड्रॉप्स रह जाते हैं इस कैविटी के अंदर, ये हैं ऑयल ड्रॉप्स। सो दिस इज़ दी लाइसिजीनियस ग्लैंड। दूसरा अगर हम ग्लैंड देखें तो ये जो ग्लैंड है दिस इज सीजियोजीनियस ग्लैंड। ये जो सीजियोजीनियस ग्लैंड बना है ये मिडिल लैमेला जो सेल का है उसके टूटने से, जो बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बचती है उससे बना है, और ये भी एक ऑयल कैविटी है, राइट। तो ये एक ऑयल कैविटी से बना है और आसपास इसके नॉर्मल सेल्स वी कैन सी। दिस ग्लैंड कंटेन रेजिन कैनाल। तो रेजिन जो है इसके अंदर प्रेजेंट है, ये भी एक तरह का सीजियोजीनियस रेजिन कैनाल है। दिस इज सीजियोजीनियस रेजिन कैनाल, सीजियोजीनियस ऑयल ग्लैंड एंड दिस इज लाइसिजीनियस ऑयल ग्लैंड। सो दिस इज अबाउट ग्लैंड्स। नेक्स्ट वी स्टडी रेजिन डक्ट्स। तो यहाँ पे हमने ग्लैंड्स ख़त्म कर लिया, रेजिन डक्ट से शुरू करते हैं। रेजिन डक्ट्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो सीजियोजेनियसली फॉर्म्ड कैनाल्स और डक्ट्स, जिनके पास आसपास जो है एपिथेलियल लाइनिंग होती है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा। अगेन वी कैन सी इनके आसपास एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है रेजिन कैनाल्स के पास, और ये जो है रेजिन से भरे होते हैं। रेजिन डक्ट्स किससे भरे होते हैं, रेजिन से बने होते हैं, एंड द रेजिन इज एक्सट्रूडेड आउट फ्रॉम एपिथेलियल सेल। तो इनको रेजिन डक्ट्स को कुछ टाइम बाद जो है एपिथेलियल सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम रेजिन्स के देखें तो पाइनस की रेजिन्स और अगैथिस की, पाइनस एंड अगैथिस आर द एग्जाम्पल ऑफ रेजिन डक्ट्स। ये दोनों प्लांट्स के जो है रेजिन्स निकलते हैं। नाउ द लास्ट वन इज लैक्टिफर्स। लैक्टिफर्स जो है एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर है। ये जो है कमर्शियली भी बहुत यूज़ किया जाता है। तो जो रबर निकलती है, जो कमर्शियली यील्ड रबर निकलती है, वो निकलती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिफर्स इन द प्लांट्स। तो ये लैक्टिफर्स, इनको लैक्टिफेरस टिश्यूज हम कहते हैं। तो एक स्पेशल तरह के लिविंग सेल्स होते हैं जो कि सिक्रेशन और कंडक्शन करते हैं लेटेक्स का। अब ये लेटेक्स होता क्या है जिसकी ये सिक्रेशन और कंडक्शन करते हैं? तो लेटेक्स एक स्पेशल तरह का हमारे पास विस्कस फ्लूड है जिसके बारे में अब अभी पढ़ेंगे। सो लेटेक्स क्या होता है? लेटेक्स एक ऐसा विस्कस फ्लूड है, एक ऐसा चिपचिपा और गाढ़ा फ्लूड है जो कि एमल्शन या सस्पेंशन होता है। और ये एमल्शन और सस्पेंशन किस चीज़ के हो सकते हैं? ये प्रोटीन्स, शुगर्स, गम्स, एसेंशियल ऑयल्स, रेजिन्स एंड वैक्सेस। प्रोटीन्स, शुगर्स, गम्स, एसेंशियल ऑयल्स, रेजिन्स और वैक्सेस के जो एमल्शंस या सस्पेंशन होते हैं, ये जो है इस फ्लूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए एक चिपचिपा गाढ़ा विस्कस फ्लूड होता है और इस विस्कस फ्लूड को कहा जाता है लेटेक्स। तो लेटेक्स जो है प्रेजेंट होता है इन दी लेटिसिफेरस टिश्यूज और लेटिसिफर्स।
तो लेटिसिफर्स के अंदर लेटेक्स प्रेजेंट होता है। ये जो लेटेक्स है, इसके लेटेक्स जो है एल्कलॉइड्स भी कंटेन करता है। रिमेंबर, लेटेक्स ऑल्सो कंटेन एल्कलॉइड्स और एंजाइम्स। लेटेक्स यूजली दूध के कलर जैसा होता है, ऐसे लगता है कि पत्ते को अगर तोड़ो तो दूध निकल रहा है, तो वाइट कलर का होता है लेटेक्स, जो ज़्यादातर सफ़ेद रंग का दिखता है। पर ये जो है कुछ पौधों के अंदर येलो कलर का, रेडिश कलर का या कलरलेस भी हो सकता है। जो लेटेक्स है उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कमर्शियल वैल्यू, क्योंकि ये यील्ड करता है रबर। तो द लेटेक्स हैज़ अ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रबर। तो रबर की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा काम आता है लेटेक्स। अब कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं जो कि रबर प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेटेक्स इन देम, एंड ये कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल, हीविया, फिकस इलास्टिका, एक्रस, कैरिका एंड कैरिका पपाया। सो हीविया, फिकस इलास्टिका, एक्रस, कैरिका पपाया, दीज आर सम प्लांट्स विच यील्ड रबर। तो फिकस इलास्टिका सबसे ईजी एग्जाम्पल है टू रिमेम्बर। फिकस इलास्टिका एक ऐसा प्लांट है जिसके पास लेटेक्स प्रेजेंट होता है, और लेटेक्स हमने पता कर लिया कि एक विस्कस फ्लूइड है। अगर हम क्लासिफिकेशन करें लेटेक्स की, तो दो तरह के लेटेक्स होते हैं, विच इज़ नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स एंड आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स। नॉन आर्टिकुलेटेड में हमारे पास लेटेक्स सेल्स आते हैं और एक लेटेक्स वेसल्स। तो लेटेक्स दो तरह के हैं, लेटेक्स सेल्स एंड लेटेक्स वेसल्स। हम इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। सो हियर वी कैन सी दीज आर दी लेटेक्स सेल्स एंड दिस इज दी लेटेक्स वेसल्स। तो ये सेल्स जो हैं ये इस तरह से होते हैं, नॉर्मली अनब्रांच्ड होते हैं और ट्यूब लाइक छोटे से होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि सिनोसिटिक कंडीशन यहाँ पे होती है। इनका जो ओरिजिन होता है, दीज लेटेक्स सेल्स आर मेरिस्टमेटिक इन ओरिजिन। और इनमें कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि फिकस बैंगहेलेंसिस, यूफोर्बिया और कैनाबिस कैलोट्रोपिस, राइट। ये एग्जांपल हैं लेटेक्स सेल्स के। तो यहाँ पे अगर लेटेक्स सेल्स के एग्जांपल देखे जाए तो कैलोट्रोपिस, फिकस रिलीजियोसा, फिकस बैंगहेलेंसिस, यूफोर्बिया स्प्लेंडेंस, यूफोर्बिया ट्राइक्यूकेली, कैनाबिस सेटिवा, नेरियम ओडोरम। तो ये जो है एग्जांपल हैं लेटेक्स सेल के। अब जो लेटेक्स वेसल है, हम इसका डायग्राम देख सकते हैं, एक नेटवर्क की तरह है, बहुत लंबा नेटवर्क बन जाता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑब्वियसली ये होता है। और इसका एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो वी हैव पेपेवर, वी हैव हीविया जो भी हमने रबर की प्रोडक्शन में पढ़ा, फिर वी हैव मैनी हॉट, राइट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज लेटेक्स सेल्स एंड लेटेक्स वेसल्स। इसके बाद हम आखिरी जो है पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ लेटेक्स। तो फंक्शन में हमारे पास मेजर फंक्शन है कि ये जो है पानी को स्टोर कर सकते हैं ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में। ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो हैं वो वाले प्लांट्स होते हैं जो कि लेस लिटिल लिक्विड वाटर कंडीशन में उगते हैं, जिनको पानी की, लिक्विड वाटर की कमी होती है, वो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। उसके जो प्लांट्स हैं ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में भी जो है लेटेक्स प्रेजेंट हो सकता है, जो कि वाटर को स्टोर करने में मददगार हो सकता है। सेकेंड फंक्शन है कि दे मे स्टोर फूड रिजर्व। तो ये खाना भी स्टोर कर सकते हैं, प्रोटीन, शुगर्स, इन सबको ये स्टोर आराम से कर सकते हैं। थर्ड, दे प्रोटेक्ट प्लांट अगेंस्ट ग्रेजिंग, कि जानवर इनको कोई खाए ना, इससे ये बचने के लिए लेटेक्स प्रेजेंट होता है जो कि एक विस्कस फ्लूइड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो रबर प्लांट होते हैं, दे सीक्रेट रबर ऑफ कमर्शियल इम्पॉर्टेंस। तो जितने भी रबर प्लांट हैं, सो एग्जाम्पल यहाँ पे फिकस इलास्टिका का बहुत अच्छा है कि जितने भी रबर प्लांट होते हैं उनके पास लेटेक्स होता है, और इसीलिए वो रबर यील्ड करते हैं फॉर दी कमर्शियल वैल्यू। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ लेटेक्स। तो अभी हमने आज पढ़ा है सिक्रेटरी टिश्यूज़ के बारे में, सिक्रेटरी टिश्यूज़ क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन और इसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट।